अस्सलाम वालेकुम बेटा। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो नात पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे बेटा बेटे से मोहब्बत। जैसे कि आपको चैप्टर से पता चल रहा है, बेटे से मोहब्बत यानी एक माँ का बेटे से कैसा ताल्लुक होता है, बाप का बेटे से कैसे ताल्लुक होता है, तो ये भी चैप्टर इस चैप्टर में बताया जा रहा है। यानी कि चैप्टर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके बेटे से मुताल्लिक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको बता देती हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब पैदा हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिलाने के लिए उन्हें उम्मे बरदा खौला के पास भेजा, यानी हवाले किया, बरदा खौला के हवाले किया, जो मदीने की एक नवाई बस्ती में रहती थी। मदीने की नवाई बस्ती उसे कहते हैं इर्द गिर्द की यानी करीब की आबादी को, तो वो वहां रहती थी। उन्होंने उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला को उनको गोद में दे दिया और उनको दूध पिलाने के लिए, जो उनसे वो बेन था। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। अभी हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला शीर ख्वार ही थे। शीर ख्वार का मतलब होता है दूध पीते बच्चे ही थे। अचानक वो बीमार हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी खबर पहुंची तो वो उनको जब देखने गए तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके इंतकाल की खबर मिली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उन्होंने फरमाया ए इब्राहिम, हम तुम्हारी मौत से गमगीन हैं। गमगीन का मतलब उदास है, आंख रोती है, दिल उदास है, लेकिन हम कोई ऐसी बात नहीं कहते जिससे हमारा रब नाराज हो जाए। यानी कि अब यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि यानी कि अब मैं अपने बेटे की मौत से उदास हूँ, गमगीन हूँ, लेकिन आंखों से आंसू निकल रहे हैं, दिल उदास है, लेकिन मैं जबान से इकरार नहीं कर रहा, कोई ऐसी बात नहीं कह रहा कि जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। जैसे लोग इंतकाल हो जाए किसी का तो बयान करते हैं, खूब जोर से जोर से चीखते चिल्लाते हैं, सीना पीटते हैं, दीवारों से टकरे मारते हैं, तो इस सब चीजों को मना किया गया है शरीयत में। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इतना सब्र किया, उन्होंने भी बताया कि सिर्फ आंखों से आंसू आपके निकलने चाहिए, आपको बयान नहीं करना चाहिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान से भी कोई लफ्ज नहीं कहा, वो अपने बेटों को इंतकाल के वक्त, यानी जब इंतकाल हो चुका है तो उस पर वो बता रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम को जब सुपुर्द खाक करने लगे यानी दफनाने लगे, सुपुर्द खाक का मतलब होता है दफनाने लगे, और कब्र पे पानी छिड़कने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के सरहाने खड़े हुए। सरहाने का मतलब होता है सर की तरफ। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दफना दिया और जब कब्र पे पानी का छिड़काव करने लगे तो उनके सर की तरफ खड़े होकर उन्होंने वही बात दोहराई। दोहराई का मतलब दोबारा कही जो पहले कही थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मेरे बेटे, क्यामत के जब के दिन जब तुमसे सवाल हो तो कहना कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे बाप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यानी वो अपने बेटे से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि जब क्यामत के दिन तुमसे सवाल किया जाए, पूछा जाए, तो तुम कहना, यानी कहते हैं ना सवाल किए जाएंगे कि मेरा तुम्हारा रब कौन है, तो कहना कि मेरा रब अल्लाह ताला है। तुम्हारा दीन क्या है, तो कहना कि मेरा दीन इस्लाम है। तुम किसके यानी बेटे हो, तो बताना कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा यानी ताल्लुक है, मेरे बाप अल्लाह ताला के, तुम्हारा बाप कौन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो अल्लाह के नबी है, उन पे नबुवत खत्म हुई है। तो ये इस चैप्टर में बताया गया बेटे से मोहब्बत, कि इतनी बड़ी अजीम हस्ती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको इतना बड़ा दर्जा दिया गया है, और वो अपने बेटे की मौत पर भी इतने गमगीन उदास है कि वो मुंह से वो लफ्ज अदा नहीं कर रहे, बल्कि अपने आप को उन्होंने मजबूत रखा है और उन्होंने सब्र इस्तिक्लाल पे दर्ज दिया है कि हमें मुश्किल से मुश्किल घड़ी या कोई परेशानियों का भी मुसीबत आती है तो हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अब आप देखिए इसके सफर नंबर 11, बुले लाला का सफर नंबर 11 पे देखिए आपके नए अल्फाज हैं। आपको ये अल्फाज मैंने अपनी कॉपी में करने हैं और काम करना है साफ सफाई के साथ, और आपको नीचे इसके सवालत भी नजर आ रहे होंगे। ये सवालत आपकी किताब में मौजूद है, उस सवालत को आपने करना है, इसके जवाब लिखने हैं और मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, आप उसमें से भी देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए कि काम किस तरीके से करना है, आपको देखिए स्क्रीन पर अल्फाज मैंने भी नजर आ रहे हैं और आपको सवाल भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये सॉल्व हुए में सवाल, और आपको अपना होमवर्क भी नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे अल्फाज मायने वगैरह के, यानी इनको याद भी करना है। और ये तीसरा सवाल है जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये भी मैंने सॉल्व कर दिया है, और आपका होमवर्क आपको पता चल गया है कि होमवर्क आपका क्या है, आपको अल्फाज मैंने याद करने हैं। ये आपका होमवर्क भी है, यानी तफीसकार होमवर्क को कहते हैं।
आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, आज की इतनी ही क्लास है हमारी, अल्लाह हाफिज।